तो हम सब ने माइनक्राफ्ट बहुत खेला है, खेला था, क्योंकि आजकल तो मजा ही नहीं आता है, राइट? पहले का मजा अब बोरिंग लगता है, इसलिए आज उसको वापस लाएंगे बाय एडिंग मॉड्स एंड वेनिला फील के लिए बड़े मॉड्स को नहीं यूज करेंगे, छोटे छोटे मॉड्स डालेंगे स्टार्टिंग विद जावा एडिशन। एंड सबसे पहले मैंने डाला है बेटर फर्स्ट पर्सन एंड इट्स सो मच बेटर, भाई अलग ही फील आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी आरजीबी गेम में, भाई वो आरपीजी होता है। एंड स्पेशली लड़ते हुए, बिल्ड करते हुए और कूदते हुए अलग ही फील आती है, तो हेडफोन लगाओ और इसे मजे लो, जिंदगी सवार दूं एक नहीं बा। एंड हाँ, हेडफोन से याद आया, एक नहीं तीन मोड, एम्बियंट साउंड, डायनेमिक सराउंडिंग, प्रेजेंट फुटस्टेप्स। एंड आई नो तुम ऑलरेडी समझ गए हो, यू नो मोड्स को कंबाइन करो एंड तुम्हें मिलेगा तुम्हारे कानों को गीली चुमी का एहसास, अलग अलग ब्लॉक पे चलने की डिफरेंट आवाज, डिफरेंट जगह की डिफरेंट आवाज। एंड हेडफोन्स में तो ऐसा लगता है किसी प्यारे से गांव में बैठा हूं। एंड पिछली क्लिप में तुमने पेड़ों को देखा होगा, काफी फैल गए थे एंड इनको फैलाने का काम किया है बेटर फॉलिएज ने, एंड इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है शायद से, ये ऐड करता है कुछ नहीं पर ये पहले वाले ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स सबको काफी प्यारा बना देता है। इसमें है बुशी लीव्स, बाइसेप वाला कैक्टस एंड इवन प्यारे प्यारे फूल। फूल तो मेरा बना है क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था भाई 12th के बाद तो मजे ही है, कहां है मजे भाई, ला दो मेरे को प्लीज। तो मुझे नेचर से बहुत प्यार है, सो इसीलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट मैं माइनक्राफ्ट का नेचर से ही करूंगा एंड ये करते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ। एनीवेज, ये है स्ट्रेट रू मॉड, ये है एक रिसोर्स पैक जो कि तुम्हारे नेचर जैसे कि ग्रास, वुड, डर्ट, डेड बुशेस सबको काफी प्यारा कर देता है। लाइक एक बारी देखो इस कैक्टस को, इसको देख के मेरे को वही याद आता है इटिनीज़ अरिगातो। जितने भी लोग क्रिंज से मरे हैं मैं माफी चाहता हूँ। एंड मेरा फेवरेट हैव टू बी द क्रॉप्स, मन कर रहा है कच्ची खाना। एंड अभी अभी मैंने ये वीडियो देखा एंड नाउ आई फील लाइक फ्लैश का छोटा भाई फ्लैश। ब्लर मोड से तुम्हारी इन्वेंटरी खुलते ही सब ब्लर हो जाता है, जैसे तुम्हारी लाइफ से वो हो गई थी। जूम मोड लगा के तुम काफी दूर तक देख सकते हो पर उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पाए। एंड तुम एक शेडर भी लगा सकते हो जिससे सब कुछ काफी सुंदर लगता है, सुंदर तो वो भी थी है ना, है ना, है ना? इनकी अम्मा भाई इन पे आ जाऊंगा। तो ये मोड लगा के तुम्हारे पैरों तले जमीन आ जाएगी, ये है चंक्स फेड इन। तो इससे तुम्हारे चंक्स एक एनिमेशन के साथ लोड होते हैं जो कि मुझे तो काफी सही लगता है। एंड तुम इसकी सेटिंग में एनिमेशन टाइम सब चेंज कर सकते। अब एक और छोटा मॉड तुम्हारी हाइट जैसा ईटिंग एनिमेशन, या अब तुम कुछ भी खाओगे तो तुम उसको सच में खा लोगे, इफ दैट मेक सेंस। एंड ये मिल्क और पोशन पे भी काम करता है। और मेरे को एक बात बताओ, ये ब्लूटूथ से खा रहा है क्या? तो आई नो तुम्हें कॉस्मेटिक पसंद है ना, आई मीन माइनक्राफ्ट वाले, इसलिए आई गॉट कॉस्मेटिक आर्मर। इसमें है कुछ इतने सारे नए आर्मर एंड इनसे तुम कुछ भी बन सकते हो, एस्ट्रोनॉट, बंगाली बाबा, प्यारी लड़की, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो योद्धा हूँ। आई नो इट वॉज क्रिंज, कॉमेंट्स में बताना मत। तो ये नेक्स्ट वाला मोड लगा के तुम अपने सारे टूल्स का मेकओवर कर सकते हो एंड ये काफी बेटर लगते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड, एक्स, शवल एंड पिकैक्स। भाई इस बेचारे का ग्लो अप छोड़ के ग्लो डाउन हो गया। मिनी मैप मोड का यूज करके गेस व्हाट अपने वर्ल्ड का मिनी मैप देख सकते हो एंड इसमें तुम्हें सब दिख जाता है, कहाँ कौन सा बायोम है और कहाँ कौन सा मॉब है। एंड सबसे तगड़ी चीज है, इसमें तुम सब कुछ कॉस्ट्यूमाइज कर सकते हो, मैप का पोजीशन हो या फिर मैप का साइज या फिर तुम्हें मैप पे मॉब चाहिए कि नहीं। एंड तुम इवन वे पॉइंट लगा सकते हो। एंड इस मोड का एक बड़ा भाई है वर्ल्ड मैप, जिसमें तुम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हो। तो ये रही एनिमी टेरिटरी, मौका मिलते ही हम यहाँ से एंटर करेंगे। भाई मैप देख के यही करने का मन करता है। नाउ दो ऐसे मॉड जो कि तुम्हारे वर्ल्ड में चेंजेस करते हैं, जो कि है रिपर्पस स्ट्रक्चर्स और तेरा सर नहीं बोले जाता भाई मेरे से। रिपर्पस स्ट्रक्चर तुम्हारे वर्ल्ड में बेटर विलेजेस और पिलेजर आउटपोस्ट जैसे स्ट्रक्चर ऐड करता है एंड हर एक बायोम का अलग विलेज और अलग टावर है। एंड सबसे तगड़ी चीज है इनकी डिटेलिंग, लाइक एक बार देखो इनको, मेरे को तो देखते ही प्यार हो गया, इतना सही है ये। एंड ये वाला मॉड तुम्हारी वर्ल्ड जनरेशन को काफी सही कर देता है बाय एडिंग न्यू टेरेन, न्यू ट्रीज। एंड इसकी सबसे तगड़ी चीज, ये बायोम्स में कुछ भी नया या कस्टम नहीं है, तो तुम्हें वो वेनिला वाला फील भी आएगा, वेनिला आइसक्रीम नहीं, वनीला माइनक्राफ्ट। जोक है मारा मैंने, हंसो। जोक भाई देख रहे हो, जोक। एंड कम्युनिटी पोस्ट पे मेरे को लिटरल धमकियां मिल रही थी कि जावा पे वीडियो नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई। अब देखते हैं पॉकेट एडिशन। मैंने ट्राई किया कि सिमिलर मॉड्स मिल जाएं जो कि मैंने जावा में यूज किए एंड सरप्राइजिंगली मेरे को मिल भी गए, स्टार्टिंग विद साउंड्स। तो इसमें मैं यूज कर रहा हूँ डायनेमिक सराउंडिंग और पैरेलेक्स साउंड्स। इन दोनों से तुम्हें बिल्कुल जावा वाली साउंड्स मिल जाएंगी एंड इसमें इवन बेटर, यकीन नहीं होता, सुन के देख लो, सुन के देखोगे कैसे। एंड इसकी केव साउंड ज्यादा ही गंदी है।
देन आई गॉट बेटर फर्स्ट पर्सन एंड ये बिल्कुल सेम है, तो तुम इसको पहले देख चुके हो। एंड नेक्स्ट मोड जावा वाले बेटर फॉलिएज और स्ट्रेट ट्रू का मिक्सचर है, इसमें तुम्हें डिट्टो सेम टेक्सचर मिलेंगे एंड कुछ तो जावा से भी अच्छे है, जैसे की वुड लिली पैड्स एंड इसमें एक एक्स्ट्रा मोड लगाते हैं फॉलिंग लीव्स, जिससे तुम पत्तियां गिरती देख सकते हो। अगर इतने नल्ले हो तो मेरा वीडियो देख रहे हो, वैसे नल्ले ही हो गए। एंड पॉकेट में हमारा ये वाला हाथ कुछ पकड़ नहीं सकता है फॉर सम reasons, तो इसीलिए आई गॉट डायनेमिक लाइटनिंग एंड इसका तुम्हें ऑलरेडी पता है लाइट वाली चीज में लाइट होती है। या ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। एंड तुम्हें पता ही होगा मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, पर माइनक्राफ्ट में मैं पत्थर तो फेंक नहीं सकता, इसीलिए आई एडेड थ्रोएबल टॉर्चेस एंड इससे तुम टॉर्च को थ्रो कर सकते हो। एंड हाँ, पॉकेट एडिशन के लिए भी आई गॉट अ बायोम्स मॉड एंड इसमें भी काफी प्यारी प्यारी बायोम्स है, मेरी बोर्ड एग्जामिनर की तरह। इसमें काफी सारे बायोम्स तो हैं, बट एक दिक्कत है, इसमें बायोम्स के साथ साथ नए आइटम्स और ब्लॉक्स भी हैं। तो अब तुम्हारी मर्जी है इसको यूज करना है कि नहीं। एंड या पॉकेट एडिशन के लिए इतना ही था, क्योंकि पॉकेट एडिशन के लिए मैं ऐसा वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ जो कि तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड अब वही रोज का कॉमेंट, अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर को लाइक कर दो इफ दैट मेक सेंस। बाकी मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई तेरे चैनल पे आजकल व्यूज नहीं आ रहे, डिमोटिवेट नहीं होता? अरे नहीं, पर क्यों? क्योंकि भाई देख, मुझे पता है कुछ लोग मेरे वीडियोस एंजॉय करते हैं, मेरे सिली जोक्स पे हंसते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बस उन्हीं बंदों के लिए। और ये जो अभी देख रहा है, इसके लिए आई डोंट एक्चुअली आई कांट क्विट एंड अगर तू कोशिश करते रहेगा तो एक टाइम के बाद प्रोग्रेस दिखेगी, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा।